हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने तीन वीडियो बनाए इसके पहले, जिसमें मैंने 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया है। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। है हमारा, हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हट। अब हम क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक हिरण का झुंड है जिसमें से ऐसे आधे हिरण खेत में चल रहे हैं, ओके, और जो उसमें से बचे हुए हिरण है क्या इसकी मैदान में खेल रहे हैं, ओके। फिर जो उसमें से आधे बचे हैं 9, रेस्ट ऑफ 9 क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग इन द वॉटर पॉन्ड, मतलब तालाब में पानी पी रहे हैं। अब आपको बताना है कि उस झुंड में कितने हिरण हैं। तो यहाँ पे कहीं पे नंबर नहीं दिया हुआ है हिरण का, तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ डियर, अज्यूम किया हमने नंबर ऑफ डियर है हमारा एक्स, ओके। जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है, जो हिरण है उसमें से हाफ ऑफ हड ऑफ हिरण, जो यहाँ पे लिख दीजिए हड ऑफ डियर, ठीक ना। नंबर ऑफ हड ऑफ हिरण कितने हैं, जिसमें से हिरण की संख्या एक्स, जिसमें से क्या कर रहे हैं हिरण, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके। अब आपको ये बताना है कि कितने हिरण ग्रेजिंग कर रहे हैं, ओके। तो हाफ, पहले तो हमने डियर की संख्या लिख ली कि हड ऑफ डियर कितने हैं, नंबर ऑफ, ओके, आधे हिरण ग्रेजिंग कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड 2, ओके। अब क्या बोल रहा है, जब ग्रेजिंग करने के बाद जो रिमेनिंग हिरण है, रिमेनिंग जो इसमें से बचे हुए हिरण है, सबसे पहले हम बचे हुए हिरण निकालेंगे। अब इतना हमने कर लिया, अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3/4 ऑफ डियर, जो रिमेनिंग डियर बचेंगे उसमें 3/4 क्या करें, नियर बाई खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमेनिंग हिरण निकालेंगे। तो टोटल नंबर कितना हिरण का, एक्स, जिसमें से ग्रेजिंग वाले हिरण को हम घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने हिरण बचे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2x - x, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, माइनस कर देंगे तो x डिवाइडेड बाई 2, ओके। यहाँ पे हम 2x क्यों लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 माना है, ओके, एलसीएम लिए हैं क्योंकि इक्वल नहीं है। तो रिमेनिंग डियर कितने आ गए हैं, x डिवाइडेड बाई 2। अब जो बचे हुए हिरण है उनमें से 3/4 क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाई, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई, ओके। तो यहाँ पे कितने हिरण बचे हैं, x डिवाइडेड बाई 2, जिसमें से इसके 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ओके। यहाँ पे हम कर लेते हैं भाई 3 के x से मल्टीप्लाई 3x, 4 × 2 = 8, ओके। अब यहाँ पे आ गया हमारा, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा आगे, कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग इन द ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड, प्लेइंग जो कर रहे हैं, अभी हम इसको घटा देंगे, ओके। तो जो रिमेनिंग आ जाएगा वो क्या करेंगे हमारे, पानी पियेंगे, रिमेनिंग डियर। अब इसमें से भी हमको घटा देना है, ओके, एक्स बाई 2 बचा था, एक्स डिवाइडेड बाई 2 में हम प्लेइंग नियर बाई वाले हिरण को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई, 2 से 4, 8 को डिवाइड किए 2 से, तो क्या है हमारा 4, एक्स से मल्टीप्लाई 4x, माइनस 8 में 8 गए 3x, ओके। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया है, 4x में 3x गए 1x, तो हम 1 नहीं लिखते हैं, x डिवाइडेड बाई 8, ओके। अब आगे पूछ रहा है कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, ओके, तो रिमेनिंग डियर हमने निकाल लिया, तो हमारा क्या आ गया, रिमेनिंग हिरण x बाई 8, तो टोटल नंबर ऑफ हड ऑफ डियर, ओके। तो टोटल हमारे पास कितने हिरण, रेस्ट लास्ट में कितने हिरण बचे हमारे पास, 9 हिरण बचे, तो वो किसके बराबर है, एक्स डिवाइडेड बाई 8 के, ओके। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, हम 1 ले लेते हैं। अब यहाँ हम जैसे हम हमेशा मल्टीप्लाई करते आए हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई 1 से, 9 का मल्टीप्लाई 8 से, तो एक्स का 1 से करेंगे तो एक्स आ जाएगा 9 × 8 = 72। यहाँ पे हिरण की टोटल हड में कितने हिरण हैं, 72, ये है हमारा आंसर।